हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट, ठीक है? तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। बस आपको क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना होगा। मेरे एक एक वर्ड को जो मैं बोल रहा हूं और जो जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान देना होगा, आसानी से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है? तो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट, अगर आप माइनस करते हो 1/2, क्या माइनस करते हो 1/2 फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर से। क्या आपको नंबर दिया है? नहीं, बोला है किसी नंबर से। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1/8 मिलेगा। आपको बहुत टिपिकल लगेगा ये पढ़ने में, बोलोगे यार इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लेकिन अब मैं अगर जिस तरह मैं कर रहा हूं, अगर आपने उस तरह फॉलो किया तो आपसे ये चुटकियों में हो जाएगा। देखिए, ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, आप अगर किसी नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो हमने नंबर मान लिया x, लेट द नंबर बी x, तो हमने अपना नंबर क्या लेट कर लिया है x। तो अब हमको लिखा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, नंबर क्या है x, इसमें से क्या सब माइनस करना है 1/2, फ्रॉम करना है ना, इसमें से माइनस करना है, तो हमको x में से माइनस करना है 1/2, ठीक है? यहां तक लिखा है, फिर सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो हमने नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो हमारा रिजल्ट आएगा इसका, ये जो हमारा इसको सोल्व करके आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। तो हमको यू गेट, तो हमको जो आंसर मिलेगा फाइनली, हमको आंसर मिलेगा इज 1/8। देखा कितनी प्यारे तरीके से इक्वेशन बन गई। दोबारा बताता हूं, इसमें लिखा इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, नंबर दिया नहीं है, हमने नंबर को लेट कर लिया x, तो उसमें बोला है x से अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमारा आंसर रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1/8। तो बताओ व्हाट इज द नंबर, तो हमको x की वैल्यू बतानी है तो उसको करेंगे सोल्व। तो देखिए, अब ये 1/2 यहां पर मल्टीप्लाई में है ना, तो वहां पर जाके किस चीज में हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, डिवाइड में। अभी हमने इससे पहले ही रूल पढ़ा था, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। ये 1/2, या फिर मैं आसान तरीका बताता हूं आपको करने का, आप डिवाइड करोगे तो आपको टिपिकल लगेगा। ये 2 नीचे डिवाइड में है ना, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। या फिर मैंने पहले भी बोला था, ये 2 नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, 1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको सोल्व करने का, ठीक है? अब देखिए, 2 से 8 कटता है, हाँ जी कटता है, कितने टाइम? 4 टाइम। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ऊपर तो कट गया सब कुछ, 1 बचा, और नीचे 4 × 1 = 4। ये माइनस 1/2 है, इस साइड अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/4 + 1/2, ओके? अब देखिए, डेनोमिनेटर अलग अलग है तो उसको सेम करने के लिए हमको क्या लेना होगा? LCM। तो x इज इक्वल टू, 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, ठीक है? कैसे होता है 4? दोबारा समझो, 2 और 4 में बड़ा कौन? 4। क्या 2 के टेबल में 4 आता है? हाँ जी आता है, तो हमारा एलसीएम 4 हो गया। 4 के टेबल में 4 1 टाइम, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, प्लस का साइन बीच में प्लस लगा दिया। 2 के टेबल में 4 2 टाइम, तो 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? x इज इक्वल टू आ गया 1 और 2 = 3, और नीचे 4, तो हमारा जो नंबर था, व्हाट इज द नंबर? नंबर इज 3/4, ठीक है? और हमारे यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। ये भी बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से एक एक वर्ड को जो मैं बोलता हूं और जो मैं लिखता हूं उसको देखना है, क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरती तरीके से होगा। लिखा गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल देखा है आपने? नहीं देखा, चलो कोई नहीं, इज 154 मीटर। तो जो हमारा पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर पूल का, वो 154 मीटर है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, स्विमिंग पूल में मुझे मालूम है सब कुछ, आप नहाए भी हो, तो देखिए स्विमिंग की आपने सबने, तो जो हमारा स्विमिंग पूल होता है वो इस तरह का होता है भाई, ये इतना छोटा नहीं, इस तरीके का होता है। तो जो उसका पेरीमीटर है, आपको मालूम है पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या होता है? जो पेरीमीटर होता है वो हमारी बाउंड्री होती है, और जो एरिया होता है वो उसके अंदर का पूरा पात होता है, जो हम इसको एनक्लोज एरिया होता है। तो अब हमको पेरीमीटर की बात करनी है, मतलब इसकी बाउंड्री की।
ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसमें किस चीज का पेरीमीटर लगेगा, रेक्टेंगल का। तो देखिए द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, सबसे पहले हम पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर रेक्टेंगल का, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमको लैंग्वेज क्या दी है, इसमें दिया है इज 154 मीटर, तो जो हमें ये पेरीमीटर है ये इसकी वैल्यू क्या दे दी है हमको 154, और आगे बोला इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम से भी 2 मीटर ज्यादा। तो हम पहले ब्रेथ हमको देनी है, ब्रेथ को मान लेते हैं एक्स, देखिए हमको ब्रेथ देनी है तो लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेथ दी नहीं है तो वो हो गई एक्स, हमने लेट कर लिया, लेट द ब्रेथ बी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेंथ क्या होगी, तो देखिए हमें बोला है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, ज्यादा है तो प्लस करेंगे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ कितनी है एक्स, एक्स का ट्वाइस क्या होगा भाई, देखो एक सिंपल सी चीज समझना, हमसे बोला है एक्स का ट्वाइस तो हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज को, अगर हमको बोला है थ्राइस तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ट्वाइस में टू से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्राइस में थ्री से, तो देखिए अगर हमारी ब्रेथ एक्स है तो उसका ट्वाइस क्या होगा 2x, अगर हमको थ्राइस बोला होता तो हम 2x की जगह 3x लिखते, ठीक है बच्चों। अब हमें बोला है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस की जगह 2x लिख लिया, ट्वाइस से भी 2 मीटर ज्यादा, अगर ज्यादा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमको उसकी ब्रेथ भी मालूम लग गई 2x प्लस 2, ये वैल्यू कैसा है दोबारा सुनो, दोबारा मैं ऊपर से रिपीट कर दे, चलो मैं पहले सोल्व कर दूं फिर आगे से दोबारा रिपीट करूंगा, तो हमको पर्स लेंथ की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मालूम है हमको, इसमें दिया क्या है, पेरीमीटर है क्या असल में 154, ये भी मालूम है, तो अब हम इसको करते हैं सोल्व। तो देखिए अब हमको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 154 मीटर गिवन है, इज इक्वल टू हमने इसकी वैल्यू 154 पुट कर दी, अब 2 की जगह 2 इनटू लेंथ कितनी है इसकी 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ कितनी है इसकी एक्स, तो अब हमने खाली वैल्यू पुट करी है, इसमें देखो लेंथ की जगह 2x प्लस 2, ब्रेथ की जगह एक्स, ठीक है। अब देखिए 154 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस एक्स 3x, ये 2 ऐसा ही। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर ये 2 किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, और यहां पर आके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही डिवाइड में, इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब देखिए 2 से 154 को कट करना है तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, 2 7 जा 14 2 7 जा 14। अब हमारे यहां पे ये 2 प्लस में है, यहां पे आकर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहा है वो लड़का, माइनस में, यहां पे क्या बचा हमारा 77, और ये 2 प्लस में यहां पर आकर माइनस में, इज इक्वल टू 3x। अब 77 से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो आंसर आता 75 इज इक्वल टू 3x, टिक्का पनीर टिक्का। देखिए अब ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई में x के साथ, तो यहां पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 75 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x, तो हम 75 को 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये बहुत सिंपल तरीके से डिवाइड होगा, देखते हैं अगर उसको डिवाइड करते हैं 3 से तो क्या आंसर आएगा, 3 2 6 35 15, अगर हम 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 25 आ गई। अब ध्यान से समझना, अब मैं इस चीज को यहां पर लिख रहा हूं, हमारे x की वैल्यू क्या आ गई है 25 मीटर, हमको बताना था व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, तो हमारी लेंथ क्या थी, हमारी लेंथ थी, तो मैं यही सोल्व कर देता हूं, तो देखिए हमारी लेंथ क्या होगी, हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, हमारी पहली बात ब्रेथ 25 आ गई है, और हमारी लेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25 को लिख दिया प्लस 2, तो 25 2 जा 50 प्लस 2, तो हमारी लेंथ आ गई 52, हमारी लेंथ आ गई 52 और हमारी ब्रेथ आ गई 25, और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, हमने 154 लिख दिया पेरीमीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हमने इसकी ब्रेथ को x लेट किया था, तो x का ट्वाइस 2x से भी 2 मीटर ज्यादा, तो प्लस 2 कर दिया, तो देखिए हमने वैल्यू पुट करी, फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ, तो 2x को x के साथ प्लस किया 3x आया, प्लस 2 एज इट इज लिख दिया,
टू मल्टीप्लाई में था, इस साइड डिवाइड में आ गया, 154 को 2 से डिवाइड किया 77 आ गया, 3x+2 यहां पर बच गया, 2 को इस साइड हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया तो 77 से 2 माइनस हो गया 75 आ गया, 3x के साथ मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू 25 आ गई। अब हमको लेंथ और ब्रेथ बतानी थी, तो लेंथ हमारी क्या आ गई 2x, x इज गट 25 का, तो 25 2 50 + 2 52, और ब्रेथ हमारी आ गई x। ओके फिनिश। अब आपका काम क्या बनता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे जुड़े रहें। इसी तरह हम खूबसूरती तरीके से नेक्स्ट 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 क्वेश्चन करके पूरी एनसीईआरटी की बुक खत्म कर देंगे। बाय।